करती हूँ। I'm leaving. मैं ऐसा करती हूँ। Two minutes this guy saying he is joining BJP. What is this going on here? Total running comment. कहाँ से आए? एक मिनट सड़क छाप। एक मिनट। आम आदमी पार्टी का। एक मिनट। आप One minute. Don't test my patience. I'm not testing your patience. ऐसे नहीं। Don't test my patience. बिल्कुल। Go stop. ना बस बस। You want to show? Okay. बस बस बस। Let's one minute. नहीं नहीं। Calm down. देखिए। Okay. दोनों। Calm down. Calm. I can be extremely. अच्छा आप वहाँ चले जाइए। हाँ। आप इधर ओके ऑल राइट अच्छा लेट्स नॉट गेट पर्सनल वन मिनट योर डैड टॉप प्रॉपर्ली ओके वन मिनट वन मिनट लिसन जस्ट काम डाउन बोथ ऑफ यू काम डाउन Constantly, she's okay. That's why I've shifted. Did I say anything else? Listen. Why is he so he's constantly commenting on me. Okay. This period of the first order. One minute. Ashutosh ji. तबियत खराब हो जाएगी वन मिनट तबियत नहीं खराब है बोलिए उसको चुप रहो अच्छा ठीक है दो कौड़ी का वन मिनट आनंद दस वोट नहीं ले पाया व्हाट आर यू गोइंग टू डू वन मिनट आस्क हिम अच्छा एक मिनट स्टॉप शाउटिंग आई एम नॉट योर डैड गेट आउट आस्क हिम वन मिनट आई स्टार्टेड इट वन मिनट लेट्स स्टार्ट वन मिनट आई विल फिनिश दस वोट नहीं मिले टेल हिम फर्जी जर्नलिस्ट वन मिनट सो डाउन स्टूज वन आनंद कम ना आजा नहीं बस यार यार दोनों पढ़े लिखे लोग हैं प्लीज काम डाउन मैं आपको भी कह रही हूँ उसको भी कह रही हूँ दोनों को कह रही हूँ आशुतोष जी वन मिनट आप एक मिनट चुप हो जाइए फिर मैं वहां जा रही हूँ आप एक बार चुप हो जाइए फिर मैं वहां जा रही हूँ एक एक तो चुप हो तो अगर दोनों बोलते रहेंगे तो कभी उसको मत करेंगे मैं अभी जा रही हूँ आप calm down have a glass of water it's fine you तुम don't take it on your health now calm down it's not a matter of life and death it's a debate it's fine come on let's don't allow anybody to get any one word हाँ we are all mature and we all need to just cardiologically at any level हाँ let's not get अच्छा irritate मत करो एक दूसरे को मुद्दे I watched everything. He said everything. Seven, eight times. I pardoned. He continues. पर दोनों बोलते रहोगे तो कोई भी चुप नहीं होगा ना तो एक आदमी चुप हो जाए दूसरा अपने आप ठंडा हो जाएगा. Everybody's health is important. Why burst a blood vessel for this? Yeah, it's fine. थोड़े से इंटरप्शन के बाद हम वापस आ गए हैं इस शो पे गर्मा गर्मी हो गई थी लेकिन कुछ हमने एडिट किया कुछ हमने आपस में समन्वय बनाया और डायलॉग से ही तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और मैंने देखा है कि आप सब देख रहे होंगे कि कुछ पोजीशंस चेंज हुई हैं और अब हम मुद्दे पर लौट कर आ रहे हैं आपकी स्माइल देखकर बिल्कुल आपकी कायल हो गई और आपकी स्माइल देखकर भी मैं कायल हो गई हूं लेकिन यहां ऑडियंस के सवालों का दौर था तो मैं अपनी ऑडियंस के पास जाऊंगी पहले मैं हमेशा से लड़कियों को थोड़ा सा फेवर करती हूँ तो एनी ऑफ द गर्ल्स वांट टू आस्क अ क्वेश्चन आई विल गिव द फर्स्ट चांस यस मैम मेरा सवाल ये है कि अभी आपने कहा था कि दिल्ली की लाइफ ज़्यादा अच्छी है यूपी से जैसे दिल्ली की जो पब्लिक डेवलपमेंट है वो रुकी हुई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई की वजह से तो इस पर क्या कहना चाहेंगे हमारा ये कहना है कि दिल्ली की जो रफ्तार थी उसको रोकने का काम सेंट्रल की गवर्नमेंट ने किया आप जानते हैं दिल्ली की पुलिस इनके हाथ में है आप जानते हैं कि पूरे दिल्ली में जब बेटियां सब बैठी रहीं ये लोग कहते हैं कि वो सब कांग्रेसी लोग हैं वो सब समाजवादी लड़कियां थीं क्या देश का जिन लोगों ने गौरव बनाया आज वो कहीं पे भी हैं रेखा जी भी कहीं से पी थी हम भी कहीं थे आज कहीं और हैं तो हमारा ये कहना है कि जो आम लोगों को परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए उत्तर प्रदेश में तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पकड़ पकड़ के नौकरियाँ दी जाती हैं सवाल इस बात का है कि CBI ED पहले कांग्रेस के हिसाब से चलती थी ये तो मानेंगे ना आप और अब इस सरकार के हिसाब से चलती ये तो ब्रॉडली जो सरकार होती है ये एजेंसीज उसके हिसाब से चलती है ये तो आप मानेंगे ना अब ये तो आप प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जा रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता है ये हमारे इशारे पे नहीं चलते हैं
तो मैं प्रधानमंत्री के अगर फेवर में कह दूं तो आप कहेंगे तुमने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अगर मैं उनके खिलाफ बोल दूं तो आप कहते हैं आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रही हैं। मैंने ऐसी कोई बात नहीं, मैंने सवाल पूछा, मैंने क्योंकि आप आनंद रंगनाथन को कह रहे थे ना, तो मेरे को भी कह देंगे, मुझे डर लग रहा था कि आप बोल देंगे गोदी मीडिया है, बीजेपी को साइड लेती है। पर मैं सवाल पूछ रही हूं कि अगर ये तब थे और अब भी हैं तो बदला क्या? पहले अगर संविधान खतरे में नहीं था, अब क्यों है? ये भी सवाल सही है कि नहीं? और आपने कहा, आपने जो पढ़ा, मैं उसी में से पॉइंट, अरुण जेटली को आपने कोट किया कि या कोई लॉ जानता है, जजेस लॉ जानते हैं या लॉ मिनिस्टर। आपको वाक्या याद तो होगा ना कि लॉ मिनिस्टर यूपीए सरकार में उन्हें रिजाइन करना पड़ गया था क्योंकि सीबीआई के केस पर उन्होंने मीटिंग ली थी। तो आप मुझे बताइए, आपको बीजेपी रोज गलत लगती है, तब आपकी चूं तक नहीं निकली थी, क्यों? नाविका जी, रोज बीजेपी गलत लगती, बीजेपी गलत लगती, मतलब हम कितनी बीजेपी की तारीफ करें तो आप मान लेंगे कि हम थोड़ा बदल गए, कितनी बता दीजिए। मतलब मीडिया का जो मत कीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, फिर आप मुझे बोलने भी नहीं। सिर्फ ये कह रही हूँ कि तारीफ मत कीजिए, सच का साथ दीजिए। बोल तो नहीं, सच का साथ। सच तो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था, डंके की चोट पर कहा था, रैलियों में कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी करते नहीं है, और अच्छे पत्रकारों के सवालों के जवाब भी ठीक से नहीं देते हैं। उन्होंने कहा था कि सारी एजेंसी, मैं बुरी पत्रकार हूँ, मैं बुरी पत्रकार बोला, क्योंकि अच्छे पत्रकारों के मेरे मेरे जवाब तो दिए थे सवालों के, नहीं नहीं मेरे सवालों के जवाब दिए थे। अब अच्छे पत्रकार में सिर्फ अगर आपका नाम है तो मुझे उससे ऑब्जेक्शन है, मुझे उससे ऑब्जेक्शन है, क्योंकि मैं अपने आप को भी, हाँ मैं अपने आप को भी अच्छा पत्रकार मानता हूँ। क्या हो गया सवाल? सेल्फ गोल नंबर 100। सवाल सवाल क्या है? सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी पर कोई भी आरोप लगे, कांग्रेस पार्टी ने ये किया था ऐसा, नेहरू जी ने ऐसा किया था, मोतीलाल नेहरू ने ऐसा किया था, और उनके पहले और कोई नेहरू थे, उन्होंने ऐसा किया था। सवाल इस बात को लेकर, अगर कांग्रेस ने 10 साल कुकर्म किया, आप क्यों कुकर्म कर रहे हो? आपको किसने कहा है? आज आज सुप्रीम कोर्ट को आज के फिर मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। ये गलत बात, नहीं आज आज अगर सुप्रीम कोर्ट को 12 साल के बाद ये कहने की जरूरत पड़ गई कि भाई आप केज पैरेट मत रहो, कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा? ये कांग्रेस पार्टी में, सरकार कांग्रेस पार्टी में, और आप में कोई फर्क नहीं बचा है? बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है, सवाल ये है कि संविधान चल रहा है ना, और जुडिशियरी भी चल रही है ना, चल रहा है, आपको लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा है। हमारे मुझे मुझे चलिए आनंद रंगनाथन, इसीलिए आप बोल पा रहे हैं आनंद रंगनाथन, चलिए तहसीन में आ रही लेकिन राधिका जी, आप कांग्रेस पार्टी में थी तो आप इंदिरा गांधी की तारीफ क्या करती? तो सुबह से शाम तक आप नरेंद्र मोदी को हिटलर में जाने क्या करती? आम आदमी पार्टी में बहुत तारीफ करते थे, आजकल कम करते हैं। लेकिन एक आदमी कहती थी नेहरू जी की तारीफ क्या क्या नहीं कर पाई? अब मेरी बात आप इधर हो गई है, दल बदल लिया तो आपको क्या तकलीफ है? मुझे पीछे के दरवाजे से क्यों गए थे? जवाब अगर एक पत्रकार, ये बीजेपी की आदत है किसी के बारे में कुछ भी फैला दे। मैं पत्रकार हूँ, मैं तो वाला क्या छोड़ दिया, मैं किसी से भी जाके मिल सकता हूँ, उसमें अपराध क्या है? अगर गलत है तो आप बता दीजिए मुझे, अगर किसी पत्रकार का किसी नेता से मिलना गलत है। लेकिन सब सबके घर जा सकते हैं, लेकिन उस वक्त आप शायद पत्रकार नहीं थे, पार्टी में थे, ये इन्होंने कहा गलत कोट कर रही है, गलत कोट कर रही है, नहीं मालूम है। अगर आप अगर आप पत्रकार थे और गए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आनंद रंगनाथन आगे के दरवाजे से आते हैं कि छुप छुपा के? किसी भी दरवाजे से जाओ भाई, चोर की तरह पत्रकार कहीं भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है, पत्रकार को पता है। लेकिन आनंद रंगनाथन, तहसीन आ रही हूँ, आनंद रंगनाथन यहाँ टाइम ही नहीं मिल रहा है। नहीं आनंद, आपको पता है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तहसीन आ रही हूँ, तहसीन।